तो भाई साहब डीसी गेट 3 इन कोलकाता, और अभी समय हो चुके हैं 8:37। हमने आपको दिखाया हिको पार्क, निको पार्क, और जो हमारा ट्रेन जर्नी रांची टू हावड़ा का था। आज का जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं विक्टोरिया मेमोरियल, और हम यहाँ से बाइक कर रहे हैं। बाइक के अगर हम कॉस्ट की बात करें भाई, तो उनका टिकट प्राइस है 200 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो 150 तक भी मिल जाते हैं, लेकिन वो पॉसिबल होता नहीं है कि वो आएँगे या नहीं आएँगे। सेकेंड चीज़ है, बाइक से जाने का रीज़न है कि मैं आपको प्रॉपर लुक दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से विक्टोरिया जाने में जो भी चीज़ आ जाती है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ कितने टाइम लग जाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप यार कि वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का मिस न कर सके। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं भैया के साथ और दिखाते हैं आपको कोलकाता का एक व्यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। हमारे यहाँ पर दिख रहा होगा विक्टोरिया मेमोरियल, उसका हम पार्किंग एरिया में सामने में जो एरिया है। और अभी जो आपने टाइम लैप्स देखा वो था माँ फ्लाईओवर का, यानी माँ फ्लाईओवर यार मतलब पूरे सिटी को ही बाईपास कर देती है और डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब यहीं पर फ्लाईओवर समाप्त होती है, यहीं पर फ्लाईओवर एंड होती है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि टाइमिंग क्या है। कि यार गूगल पे तो 10 बजे से दिखा रहा है और अभी हम लोग यार लगभग आधे घंटे पहले हैं, 9:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और वेट करने हैं थोड़ी देर, इसके बाद टिकट लेते हैं, टिकट लेकर अंदर चलते हैं, अंदर तक आपको दिखाते हैं अंदर क्या होने वाला है। और इसके बाद देखते हैं यार, अगर टाइम मिल जाता है तो हम साइंस सिटी की ओर चले जाएँगे, तो साइंस सिटी भी कवर करेंगे। हालाँकि पहले यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चूँकि यार आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बाकी फिर चलते हैं। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं पार्क में अंदर, और अंदर आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक जगह बनाया हुआ था बैठने के लिए। तो मैं सोचा चलो बैठ के थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। और टिकट रेट की अगर हम बात करते हैं तो 30 रुपीज़ करके यहाँ पर टिकट है, जो कि अंदर पार्क, हॉल और म्यूजियम आप घूम सकते हैं बिल्कुल। मतलब 30 रुपीज़ का टिकट लो और अंदर पूरा जहाँ मन है आप घूम कर घूम सकते हो। तो ये कुछ हो गई भाई इसकी बात। चलो अब बात करते हैं थोड़ा इसका हिस्ट्री के बारे में। तो ये विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये 1906 से 1921 के बीच में बना था, और ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया मेमोरियल की याद में बनाया है। बताया जाता है कि जनवरी 1901 यानी कि 1901 ईस्वी में जब रानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक निर्माण के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने बताया कि यार एक स्मारक बनाया जाए। तो वेल्स के जो राजकुमार थे, जो बाद में उनका नाम जॉर्ज पंचम पड़ा, तो यहाँ क्या 4 जनवरी 1906 में इसका शिलान्यास किए थे और ये विक्टोरिया मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। तो ये सारा चीज़ें है यार, बाकी डिटेल में आपको जानना है तो आप यहाँ पे आओ या गूगल करो, गूगल करके आप जान सकते हो। जो हमें पता था मैंने आपको बताया, और बेसिक डिटेल में जानने के लिए आप गूगल कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी बात। चलो अब चलते हैं अंदर की ओर, अंदर चल कर आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलने वाला है, क्या क्या हम देखने वाले हैं, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बार बार यही रिक्वेस्ट है भाई। और भाई साहब अंदर आने के बाद यार आपको एक काफ़ी अच्छा पार्क मिल जाता है, जहां आप यार घंटों बैठकर आराम कर सकते हो। चारों तरफ पेड़, बीच में बैठने का जगह, तो यार धूप का धूप, छाया का छाया, सारा चीज़ आपको यहां पे मिल जाएगा। और जो पार्क है, पार्क का नज़ारा जो भाई साहब काफ़ी कमाल का है, बीच में आपको एक तालाब भी मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ये भी दिखाता हूँ। अभी मैं जिस एरिया में हूँ ये है म्यूजियम एरिया। तो
देखते हैं, कोशिश करेंगे इसे भी कवर करने का। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का जो पार्क है। एंड दिस इज़ अ सेल्फी पॉइंट जहाँ पर आप खड़ा रह के सेल्फी ले सकते हो भाई। और सेल्फी लेने के बाद कुछ इस टाइप से व्यू जाता है। और फाइनली अभी हम इन कर चुके हैं हॉल में। हॉल में जैसे ही आप इन करते हैं, सबसे पहले आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवनी देखने को मिल जाता है और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक करके दिखाऊँ। अभी जो आपने नज़ारा देखा वो था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का, जो अंदर का नज़ारा है। अंदर भाई साहब वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी अलाउ है। आप कैमरा लेके जा सकते हैं, फ़ोटो कर सकते हैं, वीडियो नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण मैं आपको डिटेल बता नहीं पाया। क्योंकि आपने देखा कि जब मैं फर्स्ट टाइम ही शूट कर रहा था उस टाइम ही उन्होंने मना कर दिया, फिर भी मैंने कोशिश किया है। और एक बार आप यहाँ पर आओ तो यह ज़्यादा सही रहेगा आपको डिटेल में जानने के लिए। बाकी तो भाई सबका मालिक गूगल बाबा है ही, आपको सारा चीज़ बता। और दोस्तों दोनों साइड में भी अगर देखा जाए तो दोनों साइड सिर्फ पार्क ही है जिधर आप घूम सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करते हो तो एंट्री करने के साथ दोनों साथ आपको तालाब मिल जाता है, यानी कि एक छोटा सा पॉन्ड मिल जाता है, जिसको चारों तरफ में चेयर लगाए हुए हैं कुछ इस टाइप से बैठने के लिए। आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। चूँकि फ़िलहाल मैं भी बैठा हुआ हूँ यार, भाई गर्मी इतना ज़्यादा है यहाँ ना, हालत ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हो ये सब जो भींग चुका है पूरा, घूमते घूमते यार पूरा भींग गया। तो आज का जो ब्लॉग था, इस ब्लॉग में आपको हम यही दिखाने वाले थे। हमें उम्मीद है यार कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। और हाँ, आपने अगर अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी कोई वीडियो को आप यार मिस ना कर सको। जो भी हम वीडियो लेते हैं उसे आप देख सको। और हाँ, इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन करने होंगे तो उसे ऑन ज़रूर कर लेना। अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं ब्लॉगिंग अंडरस्कोर वर्ल्ड, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बस मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।